हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं आम के ऐसे डिजर्ट्स जो कि आपने ना कभी खाई होगी और ना ही आपने कभी सुनी होगी। जी हाँ, आज हम आम के पुडिंग्स बनाएंगे और वो भी जेली वाली, जिसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आप भी अपने घरों में इस सीजन मैंगो का ये पुडिंग बनाकर खा सके। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी ये वाली रेसिपी पहुँच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने आम के डिजर्ट बनाना, यानी कि आम के जली वाली पुडिंग बनाएंगे आज हम। तो ये देखिए, हमने ले लिया है पके हुए दो आम, और ये आम हमारे गुदे वाले हैं, जिसमें उठली बहुत पतली होती है और गुदा हमारा ज्यादा होता है। वैसे आप किसी भी आम के ये पुडिंग बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पके हुए आम को छिलके उतार लिए हैं चाकू से, और ये देखिए बहुत इजीली बहुत आराम से ये आम के छिलके निकल जा रहे हैं चाकू से। ऐसे ही हम दोनों आम के छिलके उतार लेंगे। तो ये देखिए, हमने आम के छिलके उतार लिए हैं और अब हम आम के गुदों को कटिंग करके छोटे छोटे पीसेज में चाकू से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने डायरेक्ट ऐसे ही 10 से 15 भागों में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और हम अब इनके छोटे छोटे पीसेस निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए, हमने दो आम के गुदे निकाल लिए हैं कटिंग करके, और अब इन गुदों को हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। इस मैंगो डिजर्ट को बनाना बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, ये मिनटों में ऐसे तैयार हो जाता है। हमें इसमें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत में ये डिजर्ट तैयार हो जाता है। तो इस सीजन पके हुए आम के आप ये डिजर्ट बना के ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, और इस डिजर्ट को आराम से आप हफ्तों तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए, इस आम के बाउल को रखते हैं साइड, और अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम सारे आम कटे हुए डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने मिक्सर जार में सारा का सारा कटा हुआ आम डाल दिया है, और अब हम इस मिक्सर जार में डाल लेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। क्योंकि हमारा आम ऑलरेडी मीठा है, इसलिए हम चीनी बहुत कम से मात्रा में डालेंगे इस डिजर्ट में। तो ये देखिए, हमने लगभग 4 चम्मच चीनी डाल दिया है, और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने आम और चीनी को पीस के अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है, और इस पेस्ट को हम अब रख लेंगे एक बाउल में। तो ये देखिए, हमने जिस बाउल में आम कट करके रखा था, उसी बाउल में हम सारा आम के पेस्ट को डाल देंगे। तो ये देखिए, दो आम का पेस्ट इतना सारा बनकर तैयार हुआ है, और अब हम मिक्सर जार में 1 कप पानी डालकर मिक्सर जार से पेस्ट को अच्छे से निकालकर हम उसी आम वाले बाउल में डाल लेंगे। और एक्स्ट्रा हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप पानी हम डालेंगे इस आम के पेस्ट में। और 1 चम्मच हम डाल लेंगे कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर को अच्छे से हम आम के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विस्कर है तो आप विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जरा सा भी लम्स ना रहे कॉर्नफ्लावर के। और ये देखिए, हमने लगभग इनको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, और ये एकदम परफेक्ट हमारा मिक्स हो चुका है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए, इसको रखते हैं हम साइड, और अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और गैस को कर लेते हैं ऑन। उस पर रख लेते हैं एक पैन, और पैन में हम सारा आम का जो पेस्ट बना के रखे हैं, सारा का सारा पेस्ट डाल देंगे। और फिर हम गैस मीडियम से लो फ्लेम करके इसको हम कम से कम 5 से 7 मिनट पका लेंगे। गैस हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो हमारा जो आम का पेस्ट है वो जल जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें गैस मीडियम से लो फ्लेम करके पकाना है इस आम के पेस्ट को। और लगभग 7 मिनट इस पेस्ट को हमने पकाया है, और ये हमारा आम का जो पेस्ट है वो जेली टाइप का धीरे धीरे हो चुका है। तो लगभग और हम 2 मिनट पका लेते हैं, और ये देखिए, हमारा आम का जो पेस्ट है वो अच्छे से जेली जैसा हो चुका है और चिपचिपा जैसा लग रहा है, यानी कि हमारा ये आम का पेस्ट अच्छे से पक चुका है। तो चलिए, अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और इस मैंगो जेली को अब हम ठंडा कर लेंगे कम से कम 10 मिनट। और जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको छोटी छोटी कटोरियों में रख देंगे, हमारी जो मैंगो जेली है वो अच्छे से कटोरी के साइज में बन जाए।
तो ये देखिए हमारी जेली जो है वो ठंडी हो चुकी है। तो चलिए इनको हम छोटी छोटी साइज की कटोरियों में इनको डाल देते हैं ताकि अच्छे से सेव ले ले हमारी जेली। तो आपके पास अगर छोटी कटोरी नहीं है तो आप एक लंबे से पतले से ग्लास में सारी जेली को डाल दीजिए और उसके बाद छोटे छोटे स्लाइसेस गोल गोल आप कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में चार छोटी कटोरियां ले ली हैं और फिर हम आम के पेस्ट को डाल दिए हैं और फिर कटोरियों को अच्छे से दो से तीन बार टैप कर देंगे ताकि हमारा जो आम का जैम है वो अच्छे से सेट हो जाए कटोरी में। और ये देखिए हमारी अच्छे से कटोरियां तैयार हैं फ्रिज में जाने के लिए। तो चलिए इनको हम रख देते हैं फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए और आधे घंटे बाद ये हमारी मैंगो जैम की जेली बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं कटोरियों से और ये साइड साइड से हम चाकू से हल्का सा पुश करेंगे और ये आराम से हमारी जेली जो है वो निकल जा रही है कटोरी में बहुत इजीली बहुत ही आराम से। तो हमने सारी कटोरी के जेली को अच्छे से साइड साइड किनारे किनारे चाकू से हमने पुश कर लिया है और अब हम एक प्लेट में ले लेंगे 4 से 5 चम्मच नारियल का बुरादा, यानी कि लगभग एक छोटी कटोरी हम नारियल बुरादा ले लेंगे और फिर इस जेली को हम नारियल बुरादा के ऊपर रख देंगे। यानी कि हमें कटोरी की मैंगो जेली को अच्छे से नारियल बुरादा में कोट करना है। तो ये देखिए हमने एक मैंगो जेली ले ली है और नारियल के बुरादा को अच्छे से हमने जेली को कोट कर दिया है और ये देखिए हमारा एक मैंगो जेली बनकर तैयार हो चुका है खाने के लिए। तो इस मैंगो डिजर्ट को हम रखते हैं एक प्लेट में और फिर बाकी बचे हम मैंगो जेली को अच्छे से नारियल में कोट कर लेंगे। नारियल बुरादा अगर आपको कम पड़े तो और ले लें क्योंकि नारियल बुरादा से ही हमें कोट करना है इस मैंगो जेली को। और ये हमारी मैंगो जेली तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैंगो जेली को हम सर्व कर लेते हैं और ये देखिए हमारी मैंगो जेली कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी दिख रही है। और इस मैंगो जेली के ऊपर हम थोड़े से डाल देंगे पिस्ता के टुकड़े ताकि और भी खूबसूरत हमारे दिखे ये मैंगो पुडिंग्स। और इस मैंगो पुडिंग्स को आप खाकर एक बार टेस्ट तो करिए, आप इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे, बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट है। और मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ, ऊपर से ड्राई और अंदर से इतना जेली जेली एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट आपको दिखेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखा आपने कितना सिंपल कितना आसान तरीके से हमने पके हुए आम के इतने अच्छा डिजर्ट तैयार की और वो भी बहुत कम टाइम में बहुत कम मेहनत में। और इस डिजर्ट को अगर आपने मेहमान को एक बार खिला दी अपने हाथों से बना के तो आपकी बहुत ही तारीफ होने वाली है। तो ट्राई तो बनता है और हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो की तैयारी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।